नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हरियाणा पंजाब में, जहां हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपनी चौखट पर है, जिसको लेकर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी कसरत में लग गई हैं और प्रदेश की जनता को लुभाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब प्रदेश व्यापी अभियान के तहत आज हरियाणा के थानेसर विधानसभा में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा निकली, जिसमें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जमकर हुंकार भरी और विपक्ष पर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने जनता के बीच तमाम बातें कही, आइए आपको सुनाते हैं। गर्मी उमस में और बारिश भी जब गले थे तो राम भी राजी हो रहा था, जब चले आपने देखा तो भगवान राम ने भी आशीर्वाद दिया कि ठीक काम कर रहे हो, धीरे धीरे हो रहा हूँ। हरियाणा को बचाने की लड़ाई इस संघर्ष में आप लोग चले, जो हरियाणा विकास में आगे था आज बेरोजगारी में, नशे में, पलायन में, अपराध में, हमने भाई देखो अलग अलग तरह की जनसभा देखी, रैलियां भी देखी है, खड़ी रैली भी देखी है, बारिश में रैली भी देखी है, सर्दी में भी देखी है, गर्मी में भी देखी है, रात में भी देखी, लेकिन ये चौतरफा रैली पहली बार मैं देख रहा हूँ चारों दिशाओं में। आशीर्वाद है उसकी आज एक झलक भी देखने को मिली। समझता हूं कि मार्केट में आज पूरे मार्केट पूरे बाजार में एक एक दुकानदार भाई ने जो आशीर्वाद आपको दिया है उस आशीर्वाद का आप मतलब समझना। बदलाव नीचे बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है। दो महीने की बात है 30 दिनों की सरकार रह गई, रहेगी कि नहीं रहेगी 30 दिनों की, सरकार में रह गई है तो 3 दिनों के बाद 50 सप्ताह चाहे चुनाव, 2 महीने के बाद कांग्रेस और सरकार बनते हर वर्ग की खुशहाली के कदम हम उठाएंगे। बड़े बुजुर्गों को 6,000 पेंशन पहली कदम से दिलवाएंगे, बिजली हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली की आग में राहत दिलवाएंगे, खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति से मान सम्मान दिलाएंगे, किसानों को MSP की गारंटी दिलवाएंगे, कानून व्यवस्था अमन चैन शांति हरियाणा के अंदर जब हमारी सरकार थी 10 साल तक, मैं पूछना चाहता हूँ आप सब से व्यापारी भाई बहुत चल रहे हैं साथ, 10 साल जब सरकार थी अमन चैन शांति रही थी कि नहीं रही थी हरियाणा के अंदर, मैं पूछना चाहता हूँ। व्यापारी छोड़ देते ही पलायन कर देते हरियाणा से और पलायन करना पड़ रहा है हमारे नौजवानों को, जनता को अपने जाल में ऐसा फंसा दिया तालियों में, इन पोर्टल राइडियो क्या करना चाहिए भाई, फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, जब ये दिल्ली में नहीं है, जब ये चंडीगढ़ में नहीं है, जब ये यूनियन टेरिटरीज में लागू नहीं किया बीजेपी ने, जब गुजरात में लागू नहीं किया, तो हरियाणा में ऐसा क्या है, हरियाणा से नाराजगी थी तो ये पोर्टल और आईडियो के चक्कर में फंसा दिया हरियाणा के नागरिक को और नौजवान को फंसा दिया, सीटी के और पेपर लीक घोटालों की
जंजाल में नौजवान को फंसा दिया, कच्ची नौकरियों में फंसा दिया, फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया कच्ची नौकरी में। तो भाई ये कोटे पर ये आएगी जन विरोधी, ये भी जाएंगे और ये कच्ची भर्ती भी जाएगी, कच्ची भर्ती वाली सरकार भी जाएगी भाई। तो ये और इंसान की जो ये जो जन सुविधा का देना काम सरकार को होना चाहिए, हर हर घर के दरवाजे पे जाकर जन सुविधाएं दे। मैं एक गाँव में गया, मैंने चौधरी में रहा साहब, एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों को मृत घोषित करके उनकी पेंशन काटी हुई। देखो वहां बड़े बुजुर्गों की पेंशन, नाम गलत आ गया खाई, नाम में स्पेलिंग गलत आ गई, वो स्पेलिंग ठीक कराने के लिए चक्कर काटता है डीसी ऑफिस के, वो कहता है चंडीगढ़ भेज दिया स्पेलिंग ठीक कराने के लिए, जवाब नहीं आता। वो कह रहा जितनी पेंशन मिलती थी उससे और बने किराए बार बार डीसी ऑफिस में चक्कर काट दिए, किसी का अंगूठे की फिंगरप्रिंट नहीं मिल रही, आज उनका क्या कसूर है। तो ये सरकार एक ऐसी सरकार आ गई, हर वर्ग आज इस सरकार से नाराज है और हम हिसाब मांगते हैं तो क्या कहते हैं, हिसाब नहीं देंगे। और फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये हरियाणा है जरा, ये हरियाणा है और ये हरियाणा वाले हिसाब लेंगे और हिसाब ये लेंगे। चुनाव में हरियाणा में कर दिया था कि नहीं कर दिया, हाफ हो गए थे, होगी थी बीजेपी और वो तो थोड़ी कैसे रहेंगी, ना तो थोड़े थोड़े कैसे रहेंगी, लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र में थोड़े कैसे रहेगी, लेकिन हाफ हो गई बीजेपी। मैं बधाई देता हूं आपको, देश में सबसे ज्यादा अगर वोट कांग्रेस पार्टी को खड़ी मिली और इंडिया गठबंधन और विपक्ष को खड़ी मिली देश में इस लोकसभा चुनाव में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी 22 प्रदेशों में सबसे ज्यादा वोट मिली कांग्रेस को और बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस को बढ़त मिली। तो लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने कर दिया था, हाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी कर देंगे। ये 2 महीने का समय है, ये 2 महीने का समय, 2 महीने से कम का समय भाई, इन 2 महीने में मैं दो गाँव के मेहनत में पीछे तो नहीं करना बता रहे, आप भी घर पर जाए, मैं भी घर विधानसभा में जाऊंगा और अरोड़ा साहब को मैं एडवांस में, मैं अरोड़ा साहब को एडवांस में बधाई देता हूँ। आज जो देखा यहाँ पे नजारा, आज जो देखा, हो सकता है कि एक बहुत देखता हूँ मैं कितने आदमी साथ चले, पता चल जाता है सदन देख के, कैसे पता चल जाता है किसकी कमी किसका गुप्ता। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर व सरबजोत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों शूटर के परिवार वाले भी मौके पर मौजूद रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही कहा कि देश के लिए ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी खेल नीति के मुताबिक जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से भी कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है। देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है। ओलंपिक में पदक जीतने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। आज हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। मनु भाकर ने जहां देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सरबजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन दोनों के अलावा हमारे नीरज चोपड़ा ने भी रजत पदक और हॉकी में 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से ही कम
की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है और देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा। जी, बहुत अच्छा लगता है सीएम साहब से मिलना, और जैसे बहुत हमारी पॉलिसीज हरियाणा की काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है हमेशा ही। मेरे ख्याल से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत सारे एथलीट्स और बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स को निकालता है और देश के लिए वो पदक लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कुछ हरियाणा अच्छा ही कर रहा है जिसकी वजह से हरियाणा के खिलाड़ी इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इससे हमें और भी आगे बढ़ना चाहिए, यही नहीं रुकना चाहिए, और आगे भी और भी तरक्की की और भी उम्मीदें हैं, और भी मतलब हम और भी तरक्की कर सकते हैं। जी, अभी तो मैं 22 साल की हूँ, तो अभी कुछ समय पढ़ाई करूँगी, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे है। पहले तो मुझे लगता है हरियाणा के मतलब लोग ही इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स को इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं, और जो कल्चर हमारा बना हुआ है कि मतलब हम खाना बहुत अच्छा खाते हैं, घर का खाना देसी बिल्कुल, और माँ बाप भी बिल्कुल बचपन से ही स्टेडियम में लेके जाते हैं कि खेलो कूदो, मतलब ऐसे ही तो ग्राउंड होते हैं, हम सब बचपन से ही खेलते आए हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है, और उसके बाद फिर ऊपरी लेवल पर सपोर्ट भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है, जैसे सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत जिन्होंने फ़ायदा दिया है। तो मैं कहूँगी कि एक तो कल्चर बहुत बेहतरीन रहा था, और फिर सपोर्ट भी मिलना उतना ही ज़रूरी है। देखिए, तो यही सोचती हूँ कि कोई भी खिलाड़ी जब देश छोड़कर बाहर जाता है देश के लिए खेलने के लिए, तो उसका टारगेट गोल ही रहता है, और मेरी भी यही इच्छा रहेगी कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड जीतूँ, और मैं उसी की तैयारी में ही, हालांकि इस बार भी उम्मीद थी कि ये और भी बेहतर होगा, पर जैसे बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन रहा, पर उतनी ही ग्रेटफुल हूँ कि मैं 2 मेडल ब्रॉन्ज जीत पाई अपने देश के लिए। पर हाँ, डेफिनेटली सर, उम्मीद तो हमेशा गोल्ड की करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, पूरे हरियाणा में NHM कर्मियों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल को अब 14 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है, जिससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। इसी कड़ी में बात सिरसा की करें तो वहां भी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारी अनशन पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी भी की, और सरकार से NHM कर्मियों को नियमित करने की मांग को सामने रखा। और आपको बता दें कि साझा मोर्चे की तरफ से सोमवीर और डॉक्टर सविता ने कहा कि आज पूरे कुरुक्षेत्र के NHM कर्मचारी नागरिक अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय के सामने पिछले 14 दिनों से लगातार अपनी नियमितीकरण की मांग को पूरा करवाने के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और सरकारी अधिकारी अपनी हट पर अड़े हुए हैं। मिशन निदेशक ने हरियाणा CM के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव TVSN प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर राजपाल एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी से NHM कर्मचारियों के मुद्दे पर बैठक करने के बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और बताया कि कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है और ज्यादातर मांगों पर सरकार एवं अधिकारियों ने अपनी सहमति जताई, तो वहीं कर्मचारियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही, नहीं तो उग्र आंदोलन करने की भी बात कह डाली। NHM कर्मचारी 27 सालों से शोषण सह रहे हैं, 27 सालों से शोषण सह रहे हैं। 1998 से NHM में कार्यकर्ता, पहले RCH प्रोजेक्ट था, फिर उसके बाद NRHM आया, अब NHM में है, और 27 सालों से हम अनमैरिड कुमारे इस नौकरी में आए थे, आज सास ससुर बन चुके हैं। हमारी सारी उम्र, सारी जवानी हमारी बहनों की, GNM की, स्टाफ नर्स के, NHM कर्मचारियों की, कच्चे नाम ने ही खा लिया, और कच्चे नाम का अभिशाप झेलते झेलते 27 साल हो गए। हमारे CM साहब से गुजारिश है, निवेदन है कि CM साहब NHM के 27 सालों के अभिशाप को आप रेगुलर पॉलिसी में डालकर दूर करें, हमें भी पक्का करें, हमारा भी हक बनता है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं कि कच्ची नौकरी करते लंबे टाइम तक किसी को हम रख नहीं सकते, अगर कोई कच्ची नौकरी लंबे टाइम से करता है तो उनको पक्का किया जाए। तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए प्रदेश की सियासी गर्मी बढ़ा दी है। रेसलर विनेश फोगाट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने
अपनी इच्छा जताते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर विनेश को राज्यसभा भेजना चाहिए, विनेश जैसा कोई नहीं है। साथ ही कहा कि विनेश राज्यसभा सदस्य होते हुए अगला ओलंपिक खेलें, ऐसा उनकी इच्छा है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात कोई नई नहीं है। इससे पहले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भी हाल ही में विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने का जिक्र किया था, जिस पर तमाम राजनीतिक बयान भी सामने आए थे। भाई मैं तो इतना जानता हूँ, मैंने बहुत से रेसलर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखा है कि जापान की जो कुश्ती करने वाली महिलाएं हैं उनको हराना बड़ा मुश्किल, लेकिन विनेश एक ऐसी हमारी रेसलर कुश्ती करने वाली लड़की है जिसने सबसे पहले जापान की उस स्पोर्ट्स पर्सन को जिसने 82 कुश्तियां लगातार जीती है उसको हराने का श्रेय है तो हमारी विनेश फोगाट को है। इसलिए उसको तो रास्ता साफ था, एक गोल्ड मेडल से चूक गया देश और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि विनेश जैसी रेसलर हमारे देश में और भी, अब मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अब कुश्ती छोड़ रही हूँ, संन्यास ले रही हूँ कुश्ती से, नहीं अगले 2 साल के बाद कॉमनवेल्थ भी होंगे, एशियाड भी होंगे और उसके अगले 2 साल के बाद फिर ओलंपिक आएगा, तो उसको कुश्ती भी लड़नी चाहिए और हमारी हमारी पार्टी और सब पार्टियों ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि इसको राज्यसभा में भी भेजना, तो राज्यसभा की सदस्य होते हुए ओलंपिक चल। तो पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की अपनी इच्छा जताई। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा की गारंटी दिए जाने के सरकार के फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। तो वहीं यमुनानगर जगाधरी नगर निगम कर्मचारियों ने आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवर पाल गुर्जर से उनके निवास पर मुलाकात कर प्रदेश सरकार और उनका धन्यवाद किया। आज हम यहाँ मंत्री जी के निवास पर पहुँचे हैं क्योंकि कल हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये शायद 30-35 साल में इतना बड़ा निर्णय पहली बार लिया गया है। इतने बड़े स्तर पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम जो हरियाणा सरकार ने किया है, इसके लिए हम हरियाणा सरकार की और विशेष स्तर पर मंत्री जी का धन्यवाद करने यहाँ मंत्री जी की कोठी पर पहुँचे हैं और हम सभी कच्चे कर्मचारियों को बधाई दें। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। इनेलो नेता और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व उप प्रधान अभय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विनेश फोगाट के ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने पर दोनों पार्टियां ओछी राजनीति करने में लगी। इसके साथ ही सूबे के सीएम पर खिलाड़ियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट 100% ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाती, मुख्यमंत्री सिल्वर मेडल की बात कहकर सरासर उनका अपमान कर रहे हैं। इसके साथ ही हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था तब राज्यसभा चुनाव में हुड्डा को खिलाड़ी याद नहीं आए, तब हुड्डा ने अपने बेटी की जगह नीरज चोपड़ा को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि अगर 2024 में इनेलो बसपा की सरकार बनती है तो विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल के समान 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि और कुश्ती एकेडमी के लिए प्लॉट भी देंगे। विनेश फोगाट को हम जो सिल्वर मेडल के लिए सरकार की घोषणा है उसके मुताबिक हम उसको जो है ट्रीट करेंगे, हम उसको उस तरह से सम्मान देंगे। विनेश फोगाट का तो गोल्ड मेडल था, सरकार ने जानबूझ करके मतलब खिलाड़ियों का मनोबल डाउन हो हौसला बढ़ाने की बजाय हौसला तोड़ने के लिए इस किस्म की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री को अपनी बात पर फिर से विचार करना चाहिए और तुरंत ये अनाउंस करना चाहिए कि भी हम तो उसको गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित करने का काम करेंगे। वहीं हुड्डा ने भी राजनीति करी है इसके
खिलाड़ियों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर विनेश मेडल जीत करके आती तो उसको हमारे एमएलए की संख्या पूरी होती तो हम उसको राज्यसभा भेजते। हुड्डा जी को ये पूछने वाला हो कि जब जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव था, तब इसको हरियाणा के ओलंपियन का ख्याल क्यों नहीं आया? तब ये क्यों नहीं सोचा इसने कि हरियाणा का लड़का जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है उसको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में भेजा जाए? तब तो इसने जिक्र भी नहीं किया, तब तो अपने लड़के को आगे कर दिया राज्यसभा का मेंबर बनाने के। अब क्योंकि चुनाव है इसलिए इस किस्म की बात कह करके राजनीति करना चाहता है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने करीब 2,73,00,000 रुपए की लागत से बनी 4 सड़कों के सुदृढ़ीकरण और अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन सड़कों में संघेड़ा से जटहेड़ी, चंगनौली से संघेड़ा, संघेड़ा से दरियापुर और रामखेड़ी से तरावाला तक की सड़क शामिल है। इस दौरान कृषि मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में पूर्व की कांग्रेस सरकार से 10 गुना ज्यादा विकास कार्य किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में किसानों के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन मौजूदा सरकार ने हर तरीके से किसानों के हित में धरातल पर ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है जिसे प्रदेश की जनता भी मानती है। सड़कों का जो चौड़ीकरण था वो किया गया है और 2,73,00,000 के काम थे वो कंप्लीट है, उसका जो उद्घाटन था और इससे मैं समझता हूँ काफी लाभ होगा। सड़कें चौड़े होने से आने जाने की सुविधा सर इससे बहुत लाभ रहेगा और जो ये कर्मचारी हैं तो अब इनका जो एक खतरा मिटता रहता था, ये काफी लंबे टाइम से हमें मिलते थे और हमें कहते थे कि हमारे जॉब सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए। तो आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया उसके बाद एक वो खतरा टलता है और बड़े। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यमुनानगर की, जहां थाना पुलिस ने मॉडल टाउन स्थित येलो होटल में छापेमारी की, जहां वैश्यावृत्ति का मामला सामने आया है। यहां बेसमेंट में बने केबिन में अवैध धंधा चल रहा था, जहां पुलिस ने 2 युवतियों व 2 युवक को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा। इसके साथ ही होटल के 2 संचालकों को भी पकड़ा गया है। आरोपियों के विरुद्ध डीएसपी के रीडर एएसआई जितेंद्र सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। जब पुलिस ने होटल में छापेमारी की तो होटल के बाहर एक युवक रेकी कर रहा था और जब पुलिस पहुंची तो वह भागने लगा, जिसे पुलिस ने वहीं पकड़ लिया। उसकी पहचान शिवपुरी बीनेवासी अमन के रूप में हुई। जब अंदर केबिन की तलाशी ली गई तो वहां से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। तो वहीं काउंटर से कुछ रुपए बरामद हुए, जबकि होटल के अंदर से मैनेजर अश्विनी चौहान को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होशियारपुर की करेंगे, जहां हल्का दसुहा के गांव बाजेचक के नजदीक एक युवक ने पुलिस, आपको बता दें कि एक युवक को पुलिस ने अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ हरप्रेम सिंह ने बताया कि एसएसपी होशियारपुर सुरेंद्र लांबा के दिशा निर्देशों के अनुसार नशा तस्करों के विरुद्ध छेड़ी गई मुहिम के तहत एसआई सरबजीत सिंह की टीम ने गश्त के दौरान एक नौजवान को रोकने का इशारा किया तो नौजवान पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने लगा। तो पुलिस को उस पर शक हुआ तो वहीं पुलिस ने पीछा करते हुए उसे पकड़ा और उसके पास से लगभग 150 ग्राम अफीम बरामद की। आपको बता दें युवक पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो रुख करते हैं पंजाब के अमृतसर के शक्तिनगर का, जहां एक चोर ने मंदिर में चांदी के बर्तन चुरा लिए। चोरी की घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी एसीपी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जांच के दौरान यह भी पता चला है कि पिछले दिनों थाना कैंटोनमेंट में एक एक्टिवा चोरी हो गई थी, उसे भी इसी चोर ने चुराया था। उन्होंने बताया कि जिस कार की उसने चोरी की थी और उसके साथ ही जिस स्कूटी को भी उसने चुराया था उसके पास
भारी सामान भी बरामद किया गया है और चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब इसे माननीय अदालत में पेश कर इसका रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड के दौरान और भी कई खुलासे होने की संभावना है। तो फिलहाल इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम में हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। धन्यवाद।